हेलो एवरीवन तो आज हमारा लेक्चर फोर है माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश की पर्वत श्रृंखलाएं ठीक है तो आज हम कवर करेंगे हिमाचल प्रदेश जी के में माउंटेन रेंजेस ऑफ हिमाचल प्रदेश ठीक है मेनली हिमाचल प्रदेश में फोर माउंटेन रेंजेस होती हैं पहली है हमारी ट्रांस हिमाल्या. ट्रांस हिमालय जिसे हम इनर हिमालय भी कहते हैं ट्रांस हिमालय या इनर हिमालया भी कहते हैं दूसरी माउंटेन रेंज है हमारी ग्रेटर हिमालय ग्रेटर हिमालय जिसे हम हिमाद्री जिसे हम हिमाद्री भी कहते हैं ग्रेटर हिमालय जिसे हम हिमाद्री हिंदी में उच्च हिमालया तीसरी जो माउंटेन रेंज है हिमाचल प्रदेश से गुजरती है वो है लेसर हिमालय या मिडल हिमालय लेसर हिमालय या मिडल हिमालय, लेसर हिमालय या मिडल हिमालय फोर्थ माउंटेन रेंज आती है हमारी शिवालिक हिमालय शिवालिक हिमालय शिवालिक हिमालय लेसर हिमालय और मिडल हिमालय को हम मध्य हिमालय भी कहते हैं मध्य हिमालय भी कहते हैं ठीक है तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम ट्रांस हिमालय के बारे में ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले हिमालय जिन्हें हम इनर हिमालय भी कहते हैं इनर हिमालय भी कहते हैं ठीक है तो ये जो ट्रांस हिमालय या इनर हिमालय है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित है क्या? ट्रांस हिमालय जो है हिमाचल प्रदेश के उत्तरी तथा उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित हैं ठीक है ट्रांस हिमालय में मेनली तीन पर्वत श्रेणियां हैं ट्रांस हिमालय में तीन पर्वत श्रेणियां हैं या रेंजेज हैं ट्रांस हिमालय में तीन पर्वत श्रेणियां हैं सबसे पहले आती है काराकोरम कारा कोरम कारा दूसरी लद्दाख लद्दाख रेंज और तीसरी जास्कर जास्कर काराकोरम पर्वत श्रेणी है मिलनी इस पर आपका सियाचिन ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर या के टू पीक जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं सियाचिन ग्लेशियर कौन सी पर्वत श्रेणी में है कराकोरम में और के टू के से ही मतलब है काराकोरम टू तो के टू पीक जिसे हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं ये भी हमारे कारा uh, ट्रांस हिमालय में स्थित है और ये आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर काराकोरम रेंज जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख रेंज लद्दाख में है लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख रेंज लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर लदाक जहांस्कर पर्वत श्रेणी ये आती है आपकी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश की तरफ फिर आगे बढ़ती है जहांकर पर्वत श्रेणी जम्मू कश्मीर से हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है ठीक है तो इन तीनों में से हिमाचल प्रदेश में आने वाली जो ट्रांस हिमालय है वो कौन सा है जहांकर रेंज ठीक है तो जहांकर जो रेंज है रेंज है वो और झांकर पर्वत श्रेणी ठीक है झास्कर के बारे में है कि झास्कर स्पिति और किन्नौर को तिब्बत से अलग करती है तिब्बत से अलग करती है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पूछा जाता है कि स्पिति और किन्नौर को तिब्बत से कौन सी पर्वत श्रेणी अलग करती है तो हमारी जास्कर पर्वत श्रेणी है ठीक है इसके बाद जास्कर के बारे में लिखेंगे जास्कर रेंज के बारे में ही जास्कर पर्वत श्रेणी चंबा के पांगी चंबा के पांगी तहसील लाहौल स्पीति लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में स्थित है और किन्नौर जिले में स्थित है जो जहासकर पर्वत श्रेणी है चंबा के पांगी तहसील लाहौल स्पीति और किन्नौर में स्थित है ठीक है जहासकर पर्वत श्रेणी श्रेणी की प्रमुख चोटियाँ जहांकर पर्वत श्रेणी की प्रमुख चोटियाँ हैं सबसे पहले है सिला सात हजार पच्चीस मीटर की ऊंचाई पर सिला हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी हिमाचल प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी शिला फिर उसके बाद है रियो फार्जियल रियो फार्जियल छ हजार सात सौ इक्यानवे मीटर हाइट है इसकी फिर तो इसके बाद है शिपकी शिपकी की 6608 मीटर की हाइट है और किन्नर कैलाश किन्नर कैलाश 6500 मीटर की हाइट पर है तो जास्कर पर्वत श्रेणी में आने वाली प्रमुख चोटियां हैं फार्जियल शिप शिपकी किन्नर कैलाश ये सारी की सारी कहां पर हैं किन्नौर में है सारी की सारी चोटियाँ किन्नौर में हैं जो जास्कर रेंज है इसकी जो एवरेज हाइट है औस्तन ऊंचाई जास्कर रेंज की जो एवरेज हाइट है वो छः हजार मीटर से ऊपर है जास्कर पर्वत श्रेणी की जो एवरेज हाइट है वो छः हजार मीटर से ऊपर है ठीक है अब ट्रांस हिमालय को हम मैप के अंदर देख लेते हैं हिमाचल प्रदेश के मैप के अंदर ये है आपका लगभग हिमाचल प्रदेश का मैप सबसे पहले आपका आता है चंबा लाहौल स्पीति और किन्नौर ठीक है तो जो ये जो चोटी है वो चंबा की पांगी तहसील से लाहौल स्पीति और किन्नौर से होते हुए जाती है तो सबसे ऊपर जो हमारी जो चोटी आएगी वो है ट्रांस हिमालय ट्रांस हिमालय का कौन सा हिस्सा जास्कर रेंज तो हिमाचल प्रदेश के उत्तर उत्तर पूर्वी हिस्से में कौन सी रेंज है जास्कर रेंज है और इसकी किन्नौर के अंदर जो पीक्स हैं वो कौन कौन सी हैं सिल्ला, रियोफार्जियल शिपकी और किन्नर कैलाश ठीक है अगर हम देखें क्षेत्रफल की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश की जो सबसे बड़ी तीन डिस्ट्रिक्स जो देखें वो हैं आपकी लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर ठीक है लाहौल स्पीति, चंबा और किन्नौर क्षेत्रफल की दृष्टि से लाहौल स्पीति चंबा और किन्नौर हिमाचल प्रदेश की क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी डिस्ट्रिक्स हैं तो एक बार यहाँ से एच एस में क्वेश्चन आया था कि कौन सी पर्वत श्रेणी हिमाचल प्रदेश का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र घिरती है मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया तो ट्रांस हिमालय या जिसको हम मिलनी रेंज बोलेंगे ट्रांस हिमालय या जास्कर रेंज हिमाचल का सर्वाधिक भौगोलिक क्षेत्र घेरता है कवर्स द मैक्सिमम जियोग्राफिकल एरिया एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश जो ट्रांस हिमालय है या जास्कर है रेंज है वो हिमाचल प्रदेश का सबसे अधिक भौगोलिक क्षेत्र को घेरता है ठीक है और जी ये जो ट्रांस हिमालय जो एरिया है या क्षेत्र जो है ये आपका रेन शेडो एरिया में आता है जहाँ पर बारिश बहुत कम होती है ठीक है रेन शेडो एरिया हिंदी में इसको वृष्टि छाया क्षेत्र या पवन विमुखी ढाल जो ट्रांस हिमालय का जो एरिया है वो आता है आपका रेन शेडो एरिया या वृष्टि छाया क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र जहाँ पर बारिश बिल्कुल कम होती है या जिसको हम पवन विमुखी ढाल भी कहते हैं पवन विमुखी ढाल भी कहते हैं ये जो रेन शेडो एरिया है ये क्या होता है देखिए दिस इज योर माउंटेन ये आपका एक माउंटेन है इस तरफ से मान लीजिए हवाएं आ रही हैं ठीक है तो हवाएं पर्वत के साथ टकराकर इसी एरिया में बादल बनाएंगी और इसी एरिया में बारिश करवाएंगी इसको बोला जाता है रेन एरिया जहां पर बारिश हो रही है और जहां पर बारिश बहुत कम या बिल्कुल न के बराबर हो रही है उसको बोलते हैं रेन एरिया जो माउंटेन का दूसरी साइड होगी रेन एरिया या पवन विमुखी ढाल आई होप आपको समझ आया होगा ट्रांस हिमालय के बारे में ये था हमारा ट्रांस हिमालय अब इसके बाद है हमारा ग्रेटर हिमालय ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री हिंदी में उच्च हिमालय या बृहद हिमालय उच्च हिमालय बृहद हिमालय बृहद हिमालय अब इस क्षेत्र को हम एल्पाइन जोन ठीक है एल्पाइन जोन या हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं ग्रेटर हिमालय की जो एवरेज हाइट है ग्रेटर हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो पंतालीस सौ मीटर से लेकर छ हजार मीटर तक है ग्रेटर हिमालय की जो एवरेज हाइट है वो पैंतालीस सौ मीटर से छ हजार मीटर की हाइट तक है ठीक है और ये ग्रेटर हिमालय कहाँ पे पाया जाता है चंबा लाहौल स्पीति किन्नौर कुल्लू शिमला ग्रेटर हिमालय आपका चंबा लाहौल स्पीति किन्नौर कुल्लू शिमला थोड़ा टूरिज्म के लिए फेमस होता है टूरिज़्म आपका टूरिज्म कहाँ पे होगा ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री वाले रीज़न में ठीक है तो ग्रेटर हिमालय और हिमाद्री को हिमाइन जोन या हिमाद्री के नाम से भी जानते हैं इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो पंतालीस सौ मीटर से छः हजार मीटर तक है ये मेनली चंबा लाहौल स्पीति किन्नौर कुल्लू शिमला में है ठीक है इसको भी हम मैप के अंदर देख लेते हैं देखिए मैंने बोला था कि चंबा के पांगी एरिया से लाहौल स्पीति और किन्नौर से जो पहली जो रेंज आएगी वो होगी झास्कर रेंज झास्कर रेंज झास्कर रेंज।, रेंज आती है आपकी ट्रांस हिमालय में ट्रांस हिमालय में उसके बाद चंबा की दूसरी जो रेंज आ रही है चंबा से वो आ रही है ग्रेटर हिमालय वो लाहौल स्पीति में जाएगी लाहौल स्पीति से कुल्लू से शिमला से होते हुए और किन्नौर ठीक है शिमला किन्नौर को टच करते हुए क्या करेगी बाहर निकलेगी तो ये वाली जो माउंटेन रेंज है ये आपकी आग आ गई ग्रेटर हिमालय ग्रेटर हिमालय आपकी चंबा लाहौल स्पीति कुल्लू शिमला और किन्नौर से होते हुए बाहर जाती है तो ये था आपका ग्रेटर हिमालय के बारे में ठीक है अब इसके बाद हमारा तीसरा हिमालय जो आता है वो है लेसर हिमालय और मिडल हिमालय लेसर हिमालय और मिडल हिमालय लघु हिमालय या मध्य हिमालय इसका नाम है लघु हिमालय या मध्य हिमालय इसकी जो औसत ऊंचाई है एवरेज हाइट एवरेज हाइट है पंद्रह सौ मीटर से पैंतालीस सौ मीटर तक इसके अंदर में इन दो प्रमुख पर्वत श्रेणी आती हैं। एक हमारी पीर पंजाल और दूसरी धौलाधार एवरेज हाइट है 1500 मीटर से 4500 मीटर लेसर हिमालय और मिडल हिमालय में दो माउंटेन रेंजिस पड़ती हैं या हिल्स समझ लीजिए पीर पंजाल और धौलाधार रेंज ठीक है तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम पीर पंजाल के बारे में पीर पंजाल ठीक है तो सबसे पहले ये क्या करती है कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच सीमा बनाती है कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच सीमा बनाती है कुल्लू और लाहौल स्पीति के बीच सीमा बनाती है ठीक है यह मुख्यतः मेनली यह मुख्यतः चंबा में पड़ती है अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि पीर पंजाल श्रेणी जो है वो कहाँ पर पड़ती है किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है तो चंबा में चंबा में पड़ती है ठीक है।, है यह लेस्र हिमालय की।, की सबसे लंबी श्रेणी है लेस्र हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला सबसे लंबी रेंज है ये लेस्र हिमालय की यह लेस्र हिमालय की सबसे लंबी श्रृंखला है पीर पंजाल चिनाब और रावी तथा ब्यास रावी तथा ब्यास की जलधाराओं या रावी तथा ब्यास के बीच स्थित हैं ए बीच स्थित है तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पीर पंजाल किन किन नदी नदियों को एक दूसरे से अलग करती है या किन किन नदियों के जलधाराओं को एक दूसरे से अलग करती है तो चिनाब एक ओर हो जाती है और रावी तथा ब्यास एक ओर हो जाती है तो पीर पंजाल जो पर्वत श्रेणी है चिनाब और रावी तथा ब्यास के बीच स्थित है पीर पंजाल चिनाब और रावी तथा ब्यास के बीच स्थित है ठीक है या इनके बीच जल का बंटवारे का काम करती है जैसे वाटर डिवाइड हम बोल सकते हैं कि पीर पंजाल रेंज एक्ट एज वाटर डिवाइडर बिटवीन चिनाब एंड रावी एंड ब्यास ठीक है इसके बाद जो रोहतांग दर्रा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोहतांग दर्रा रोहतांग दर्रा पीर पंजाल पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है रोहतांग दर्रा पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में स्थित है ठीक है जो रोहतांग दर्रा की जो हाइट है वो है तीन हजार नौ सौ अठहत्तर मीटर तीन हजार नौ सौ अठहत्तर मीटर पीर पंजाल बड़ा बंगाल के पास जो ये पीर पंजाल है बड़ा बंगाल के पास धौलाधार पर्वत धौलाधार पर्वत श्रेणी से मिलती है धौलाधार पर्वत श्रेणी से मिलती है जो पीर पंजाल जो है वो बड़ा बंगाल के समीप धौलाधार पर्वत श्रेणी से मिलती है ठीक है इस पीर पंजाल को भी हम मैप के अंदर देख लेते हैं देखिए सबसे पहले आती है हमारी झासकर रेंज फिर आती है हमारा ट्रांस हिमालय सॉरी ट्रांस हिमालय नहीं ग्रेटर हिमालय फिर उसके बाद आती है चंबा से ही पीर पंजाल रेंज ठीक है तो मैंने बोला था कि पीर पंजाल रेंज मुख्यतः चंबा में है ठीक है उसके बाद ये क्या करती है बड़ा बंगाल के पास ये है बड़ा बंगाल का एरिया यहाँ पे यहां पर धौलादार पर्वत श्रेणी से मिलती है ठीक है तीसरी बात बोली थी कि इस तरफ से आती है आपकी चेनाब लाहौल स्पीति से चेनाब और इस तरफ से हमारी यहाँ से रावी कांगड़ा से रावी और कुल्लू से ब्यास नदियों के बीच उनके बीच क्या करती है एज एक्ट एज अ वाटर डिवाइड ठीक है यहाँ से इस तरफ हमारी चेनाब और ये हमारी रावी चेनाब और रावी के बीच में एक्ट करती है एज अ वाटर डिवाइड ठीक है और जो ये रोहतांग दर्रा है वो कहाँ पर स्थित है पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है ठीक है अब देखिए एक देखिए झासकर और पीर पंजाल ठीक है जब झासकर और पीर पंजाल जम्मू कश्मीर के पास ठीक है झासकर और पीर पंजाल जब जम्मू कश्मीर जम्मू कश्मीर में गुजरती हैं या जब वहां पे होती हैं तो उनके बीच में क्या है कश्मीर घाटी है इंपॉर्टेंट है कि जहांकर पर्वत और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है जो हमारा कश्मीर है वो जहाकर और पीर पंजाल रेंज के मध्य स्थित है ठीक है देखिए कश्मीर की जो घाटी है वहाँ पे एक स्पेशल टाइप की मिट्टी पाई जाती है करेवा मिट्टी करेवा सॉइल ठीक है करेवा सॉइल जिसमें क्या उगाया जाता है केसर ठीक है कश्मीर घाटी में एक स्पेशल टाइप की सॉइल पाई जाती है ठीक है जिसे करेवा सॉइल कहते हैं अब ये स्पेशल क्यों है क्योंकि इसका ओरिजन जो है वो है लेकुस्ट्राइन ओरिजन लेकुस्ट्राइन ऑरिजन ठीक है जिसको हम बोले बोल सकते हैं हिंदी में बर्फ वाली मिट्टी जैसे मिट्टी के साथ बर्फ इकट्ठा हो जाता है लेकुस्ट्राइन स्वाइल है हमारी करेवा सोइल मतलब ग्लेशियल स्वाइल बोल सकते हैं इसको ग्लेशियल स्वाइल समझिए क्या होता है ये है हमारी एक लेक अब इस लेक से होकर पानी गुजर रहा है धीरे धीरे और इस लेक में ग्लेशियल डिपॉजिट भी इकट्ठे हो रहे हैं तो धीरे धीरे ये लेक क्या हो जाती है बिल्कुल समतल हो जाएगी मिट्टी से भर जाएगी तो इसके बीच में ग्लेशियल डिपॉजिट भी होंगे तो इसी इस प्रकार की मिट्टी को एक करेवा सोइल कहते हैं ठीक है इसके बाद है हमारी अगली धौलाधार पर्वत श्रेणी लेस्टर हिमालय या मिडल हिमालय में ही धौलाधार पर्वत श्रेणी धौलाधार माउंटेन रेंज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट धौलाधार माउंटेन रेंज धौलाधार माउंटेन रेंज तो इसके बारे में लिख सकते हैं ये खेड़ी नामक स्थान से खेड़ी नामक स्थान से चंबा में प्रवेश करती है ये खेड़ी नामक स्थान से चंबा में प्रवेश करती है जहाँ रावी नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है जो हमारी धौलाधार माउंटेन रेंज है ये खेड़ी नामक स्थान से चंबा में प्रवेश करती है जहाँ से रावी नदी हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है ठीक है जो धौलाधार माउंटेन रेंज है मेनली कांगड़ा जिले में पाई जाती है धौलाधार माउंटेन रेंज मेनली कांगड़ा जिले में पाई जाती है धौलाधार को हम धौलाधार का अर्थ होता है फेद चोटी धोलाधार का अर्थ होता है सफेद चोटी अब इसकी तलहटी पर धोलाधार पर्वत श्रेणी की तलहटी पर हमारे क्या स्थित है कांगड़ा की घाटी कांगड़ा की घाटी या धर्मशाला स्थित है धौलादार पर्वत श्रेणी की तलहटी में कांगड़ा की घाटी और धर्मशाला स्थित है अच्छा धौलादार माउंटेन रेंज को मौलक पर्वत भी कहते हैं मौलक पर्वत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मौलक माउंटेन कहते हैं धौलाधार रेंज को याद रखना है कहाँ से यहाँ पर भी यू है और यहाँ पर भी यू है धौलाधार में तो मौलक पर्वत धौलाधार पर्वत को मौलक पर्वत भी कहा जाता है ठीक है अब देखिए धौलाधार पर्वत श्रेणी क्या कर रही है चंबा में रावी चंबा में रावी नदी लार्जी के समीप लार्जी कुल्लू में लार्जी में के समीप या लार्जी में ब्यास लार्जी में ब्यास और रामपुर रामपुर के नज़दीक रामपुर के नज़दीक सतलुज नदी को काटती है तो चंबा में रावी नदी लारजी में ब्यास रामपुर के नजदीक सतलुज नदी को काटती है ठीक है जो ये धौलाधार माउंटेन रेंज है ये कहां कहां पर है चंबा कांगड़ा मंडी कुल्लू शिमला सिरमौर ठीक है मेनली इन डिस्ट्रिक्ट में पाई जाती है माउंटेन माउंटेनरेंगे चंबा कांगड़ा मंडी कुल्लू शिमला सिरमौर यह है हिमाचल का मैप फिर से देख लेते हैं हिमाचल के मैप में देखिए चंबा के खेड़ी से प्रवेश करती है धौलादार माउंटेन रेंज फिर हमारे कांगड़ा मंडी कुल्लू से शिमला से होते हुए सिरमौर से गुजर जाती है चंबा के खेड़ी से प्रवेश करती है ठीक है फिर कांगड़ा में आती है वहाँ पे धर्मशाला की घाटी या कांगड़ा की घाटी का निर्माण होता है ठीक है वहाँ से मंडी और कुल्लू की सीमा से गुजरती हुई शिमला के साथ सिरमौर से नीचे चली जाती है ठीक है इसके ऊपर सबसे पहले हमारा ट्रांस हिमालय ठीक है फिर हमारा ग्रेटर हिमालय फिर आती थी झास्कर माउंटेन रेंज सॉरी झास्कर नहीं पीर पंजाल पीर पंजाल माउंटेन रेंज फिर उसके बाद आई धौलाधार, धौलाधार, देखिए ये जो धौलाधार है जो सिरमौर ज़िला है वहाँ पर रेणुका का क्षेत्र पच्छाद ठीक है सिरमौर में रेणुका और पच्छाद ठीक है मंडी जिला का चचियोट मंडी जिला का चचियोट और करसोग मंडी जिले का चटियो चचियोट और करसोग चंबा जिले का चुराह चंबा का चुराह का एरिया और कांगड़ा में कांगड़ा और पालमपुर कांगड़ा और पालमपुर का जो क्षेत्र है वो हमारा धौलाधार माउंटेन रेंज में आता है तो चुराहा कांगड़ा और पालमपुर करसोक चचोट पछाद और रेणुका जो के जो क्षेत्र हैं वो मेनली पड़ते हैं धौलाधार माउंटेन रेंज में फिर इसके बाद हमारा लास्ट जो हिमालय है वो है शिवालिक हिमालय लास्ट जो हमारा हिमालय है वो है शिवालिक हिमालय जिसको हम नीमन हिमालय भी कहेंगे शिवालिक हिमालय या नीमन हिमालय भी कहेंगे इसकी जो एवरेज हाइट है 350 मीटर से 1500 मीटर एवरेज हाइट तीन सौ पचास मीटर से पंद्रह सौ मीटर इसे मैनाक पर्वत भी कहते हैं मैनाक शिवालिक हिमालय को मैनाक पर्वत भी कहते हैं जिसका अर्थ है शिव की जटाएं या अलका जटाओं को बोलते हैं अलका ठीक है शिवालिक का अर्थ है शिव की जटाएं या अलका ठीक है यंगेस्ट माउंटेन रेंज।, रेंज सबसे नवीनतम माउंटेन रेंज है अभी नई नई बन रही है ठीक है इसके बाद है हमारा सिरमौर की पोंटा घाटी पोंटा वैली जिसे हम क्या बोलते हैं दून वैली सिरमौर की पोंटा घाटी नाहन नाहन तुम तो मिलनी सिरमौर का जो एरिया है सिरमौर के एरिया में से पोंटा वैली और नाहन नालागढ़ नालागढ़ सोलन जिले का नालागढ़ बिलासपुर का स्वार घाट बिलासपुर का स्वार घाट डलहौजी चंबा में है डलहौजी चंबा का और भटियात ये भी चंबा का है भटियात चंबा का ये जो एरिया है ये शिवालिक हिमालय के अंतर्गत आते हैं पौंटा वैली कियारदादून वैली नाहन नालागढ़ सुल में है स्वार घाट बिलासपुर डलहौजी और भटियात चंबा का है जो हमारा शिवालिक माउंटेन रेंज में आता है उसके बाद हमीरपुर और उन्ना हमीरपुर और उन्ना शिवलिक पर्वत क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं या कंप्लीटली अंडर दी शिवालिक माउंटेन रेंज अगर इन दोनों में से किसी एक को बताना हो तो उन्ना ठीक है उन्ना कंप्लीटली अंडर द शिवालिक माउंटेन रेंज उन्ना पूरी तरह से शिवालिक पर्वत श्रेणी में आता है ठीक है जो शिवालिक पर्वत क्षेत्र है शिवालिक पर्वत क्षेत्र वो क्या है दून वैलीज के लिए फेमस है जिनको हम लॉन्गिट्यूडनल वैलीज भी कहते हैं इस तरीके से या इस तरफ भी माउंटेन होगा इस तरफ भी माउंटेन होगा और बीच में क्या होगी वैलीज होंगी तो शिवालिक पर्वत क्षेत्र में दून वैलीज या लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं ठीक है जैसे दून वैली दून वैली ये हमारी कहाँ पर है पौंटा सिरमौर में है और दूसरी जसवा दून वैली दून वैली ये हमारी उन्ना में है क्यारदा दून बैली हमारी सिरमौर और जसवाँ दून बैली हमारी उन्ना में है ठीक है और ये जो शिवालिक एरिया है ये सिट्रस फ्रूट के लिए फेमस है सिट्रस फ्रूट्स खट्टे फलों के लिए खट्टे फलों के लिए और जो हमारा लेसर हिमालय या मिडल हिमालय है वो स्टोन फ्रूट्स के लिए है हॉर्टिकल्चर के लिए शिवालिक हिमालय सिट्रस फ्रूट के लिए या शिवालिक क्षेत्र सिट्रस फ्रूट उगाने के लिए प्रसिद्ध है ठीक है अब हम इन चारों को एक बार फिर से मैप के ऊपर देख लेंगे सबसे पहले मैं स्टार्ट करना है चंबा से बनाना सॉरी सेंटर जैसे में ठीक है तो सबसे पहले हमारा चंबा फिर सीधी ही लाइन रखनी है लाहौल स्पीति फिर थोड़ी सी तिरछी या सीधी रख लीजिए थोड़ा सा तो चंबा लाहौल स्पीति किन्नौर ठीक है फिर बनाना है कांगड़ा कांगड़ा की बाउंड्री लेके जानी है लाहौल स्पीति के पास फिर सीधा लेके आना है कुल्लू कुल्लू की बाउंड्री टच कर देनी है किन्नौर के साथ फिर सीधा रखना है थोड़ा सा और नीचे मंडी और मंडी से सीधा लेके ले कर रे इधर सीधी लाइन लेकर लेनी है आगे को और फिर आएगा हमारा शिमला ये हमारा सिरमौर सोलन बिलासपुर हमीरपुर और उन्ना ठीक है तो जो सबसे पहली माउंटेन रेंज थी हमारी वो थी जहाकर माउंटेन रेंज जो पांगी से होते हुए लाहौल स्फिति से होते हुए ठीक है किन्नौर से होते हुए तिब्बत में जाती है ठीक है लाहौल स्फिति और किन्नौर की सीमा तिब्बत के साथ बनाती है तो झास्कर माउंटेन रेंज झास्कर माउंटेन रेंज दूसरी आती है हमारी ग्रेटर हिमालय चंबा लाहौल स्पीति कुल्लू किन्नौर से होते हुए निकलती है ग्रेटर हिमालय फिर उसके बाद आती है हमारी पीर पंजाल जो मेनली चंबा में है चंबा से वो बड़ा बंगाल के क्षेत्र से मंडी सॉरी कुल्लू और लाहौल की बाउंड्री बनाते हुए शिमला से आगे निकलती है तो पीर पंजाल, पी -पी, पीर पंजाल पंजाल, (पीपी) फिर धौलाधार चंबा के खेड़ी से प्रवेश करती है और मंडी और कुल्लू की सीमा बनाते हुए शिमला और सिरमौर से निकल जाती है धौलाधार डीएम धौलाधार माउंटेन ठीक है फिर उसके बाद आता है हमारा शिवालिक थोड़ा सा चंबा का एरिया कवर करता है कांगड़ा का एरिया मंडी ठीक है उन हमीरपुर उन्ना बिलासपुर सोलन सिरमौर लास्ट में हमारी शिवालिक माउंटेन रेंज शिवालिक माउंटेन रेंज धौलाधार माउंटेन रेंज पीर पंजाल ग्रेटर हिमालय और झास्कर माउंटेन रेंज ये था आपका माउंटेन रेंजेज ऑफ हिमाचल प्रदेश आई होप आपको समझ आया होगा थैंक्स फॉर वॉचिंग हैव अ नाइस डे